वाटते हिंदी माणसाला मराठी कळेलच असं नाही. नमस्कार नागरिक सिनेमाचा आता तुम्ही ट्रेलर पाहिलात, मोशन पोस्टर पाहिलात. 12 जूनला हा सिनेमा रिलीज होतोय. 12 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र. फॉर 3 इयर्स ऑलमोस्ट और मोर देन दैट वी हैव वर्कड मेटिकुलसली ऑन दिस फिल्म. टुडे आई हैव विद मी ऑलमोस्ट एवरीबडी जो कुछ इस फिल्म में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है. द राइटर डॉक्टर महेश केळुसकर, द प्रोड्यूसर सचिन चव्हाण, सचिन खेडेकर द लीड ऍक्टर, दिलीप प्रभावळकर, मीनाताई नीना कुलकर्णी, संभाजी भगत जिन्होंने और तभी बारीक ने मिलके इस फिल्म का संगीत किया है. संभाजी ने गाने भी लिखे हैं फिल्म के. हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य शासनाचे ते पुरस्कार झाले त्याच्यात ह्या सिनेमाला 5 पारितोषिकं मिळाली. सिनेमाची भाषा बोलण्याचा आम्ही एक प्रयत्न केला आहे, तर तभी बारीकचं त्यामध्ये फार मोठं योगदान आहे. रसूल पुकुटी ह्यांचं ह्या सिनेमाला साऊंड डिझाईन त्यांनी केलं आहे. ते सुद्धा फार मोठं नाव आहे, ऑस्कर विनर आहेत. आणि त्यांचं सुद्धा ह्या सिनेमा सिंग साऊंड केला आहे सिनेमा, जो मराठीत फार सिनेमे खरं तर होत नाही. मी एक सोशल ॲक्टिव्हिस्ट कडून जो सामाजिक कार्यकर्ता जो कामगार सेना के अध्यक्ष आहे, तो मोर्चे धरने पे बैठना, मोर्चे ले जाना, कामगारों के लिए लड़ना, ये काम वो करती है. और ये काम करते करते उन्हें जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में मेरी जर्नी है इसमें नीलिमा ताई करके. जो है स्क्रिप्ट जो है जयप्रद देसाई और डॉक्टर महेश केळुसकर दोनों ने मिलकर लिखी है. इसकी कहानी तो मैं जानता था लेकिन स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी और इस रोल ने मुझे बिल्कुल जकड़ लिया था. ये आज की फिल्म है, आज की रियलिटी की फिल्म है और श्याम जगदाड़े जो मेरा कैरेक्टर है उसकी नज़रों से देखी जाती है, तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था और बहुत अच्छी फिल्म. एक मज़ा आया. बहुत सीनियर एक्टर्स डॉक्टर लागू, दिलीप प्रभावळकर, सुलभा देशपांडे, नीना कुलकर्णी और मेरे साथ बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स हैं. तो इस फिल्म में काम करने का, डायरेक्टर के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया और मेरे लिए ये इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा पसंदीदा रोल है और जिस तरह से थ्रिलिंग एलिमेंट में इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया है, तो उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है, उसकी विजुअल क्वालिटी नहीं है, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, 5 स्टेट अवार्ड इसे मिल चुके हैं, तो हम बड़े सकारात्मक हैं कि लोगों को बहुत अच्छी लगेगी एंड 12 जून को रिलीज़ हो रही है.